शांतता सतत संतत या सततता, इन कंटिन्यूटी के ये फंक्शन हो गए। सतत फलन कहते किसे हैं? सतत का मतलब होता है लगातार, सतत का मतलब क्या होता है? लगातार। और लगातार का मतलब हो गया है, जैसे सतत फलन का परिभाषा ही होती है, कोई ग्राफ जो टूटे ना, ग्राफ होता है जो टूटे ना। जैसे हमने फंक्शन एफ एक्स निकाला और एफ एक्स का मान लो साइन एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये एफ एक्स बराबर हमने मान लीजिए वाई, तो वाई बराबर कितना आ गया? साइन एक्स। अब साइन एक्स का ग्राफ हमें पता होना चाहिए, ये टूटता है या नहीं टूटता है। साइन एक्स का ग्राफ है ये, लगातार कहीं टूट रहा है नहीं टूट रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? सतत हो जाएगा। सतत फलन उसे कहते हैं जिसका आलेख कभी ना टूटे, लगातार चलता रहे, वो होता है सतत फलन। जैसे हमें बनाना है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एक्स एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, तो इसका ग्राफ टूटेगा या नहीं टूटेगा? इसका ग्राफ बनाते हैं एफ एक्स का, पता होना चाहिए कि एफ एक्स होता क्या है। एफ एक्स हमारे लिए दो तरीके की भी है, पड़ता है एफ एक्स इक्वल टू एक प्लस का एक्स होता है और एक माइनस का, मॉड का मतलब भी होता है प्लस और माइनस। इसका मतलब क्या होगा? एक्स ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू यदि, और इसका मतलब क्या होता है? एक्स लेस देन एल प्लस का और माइनस का। तो हम ये कह सकते हैं माना वाई इक्वल टू मॉड एक्स, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू x हो जाएगा और y इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस x, एल प्लस एक्स और माइनस x। अब इसका मतलब क्या होता है? ये हमने पढ़ा है y इक्वल टू mx, और y इक्वल टू mx जो रेखा होती है वो मूल बिंदु से जाने वाली होती है। कहां से जाती है? मूल बिंदु से। तो ये भी मूल बिंदु से जाएगी। अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे x x डैश y y डैश, जब अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये कैसा है? दोनों ही धनात्मक है, दोनों ही धनात्मक इसमें होते हैं, और इसमें x ऋणात्मक है और y कैसा है? धनात्मक है, तो ये इसमें होता है माइनस प्लस। तो इसका मतलब ये रेखा इस तरीके से जाएगी और ये रेखा इस तरीके से जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ क्या होता है, तो ये हो गया y इक्वल टू x और ये हो गया y इक्वल टू माइनस। क्या ग्राफ टूट रहा है? ग्राफ नहीं टूट रहा है, ग्राफ क्या है? लगातार चल रहा है। तो ये भी फलन कैसा होगा? सतत, y इक्वल टू मॉड एक्स। अगर आपका मन कर रहा है कि मॉड एक्स का, तो ये हो गया, अगर मॉड एक्स की जगह मान लो यह है x माइनस टू, इस तरीके से दे रखा है, तो इसी का ग्राफ क्या हो जाएगा? y इक्वल टू x माइनस टू मॉड, यानी y इक्वल टू एक बार x माइनस टू और एक बार y बराबर माइनस x माइनस टू। यहाँ पर मॉड का मतलब क्या होता है? ऐसे जीरो बराबर करेंगे तो हो जाएगा x बराबर जीरो, अगर इसका भी करेंगे तो कितना हो जाएगा? x माइनस टू बराबर जीरो, यानी x बराबर दो। ग्राफ किधर को खिसक जाएगा? x बराबर कितना है अभी? दो, तो ये एक दो यहाँ पर पॉइंट पहुंच जाएगा वन टू, तो ग्राफ क्या बन जाएगा इसका? ऐसे बन जाएगा, ये भी नहीं टूट रहा है। हम ये कह सकते हैं कि मॉड के जो फलन होते हैं वो हमेशा सतत होते हैं, सतत फलन। ये आपके ज्यादातर यहाँ पर इतना नहीं दे रखा है, एनडीए आईआईटी या टीजीटी, इनमें इनका बहुत अहम रोल है। इंटर में तो बहुत सारा दे रखे हैं, जैसे हमारे लिए यहाँ पर ई की पावर एक्स का ग्राफ देखना हो, ई की पावर एक्स का क्या है? जैसे एफ एक्स इक्वल टू जो फंक्शन है वो ई की पावर एक्स का है। अब इसको हमने मान लिया वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स। अगर आपको लग रहा है वैसे नहीं कर पा रहे हो तो आप आने विधि से ये भी जानते हो, ये क्या है? एक्स और वाई, यहाँ पर मान लो एक्स हमने जीरो रखा, एक्स क्या रखा? जीरो, तो एक्स जीरो रखेंगे तो हमारा वाई इक्वल टू ई की पावर जीरो एंड वाई इक्वल टू वन बना जाए, आपका पॉइंट आ गया जीरो कॉमा वन।
अब आपने रखा एक, जब यहाँ एक रखेंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी ई, और हमें यहाँ पॉइंट आ गया 1, E, और हमें भी पता होना चाहिए ई की वैल्यू होती है 2.71। अगर इसका ग्राफिकल मेथड देखें, 0.1 कहाँ होगा? यानी एक बाई पर कौन जीरो होता है एक्स, तो ये ग्राफ यहां बना, एक यानी एक्स पे एक तो यही चल रहा है, और बाई पे कितना चल गया 1, 2 और 2.7 मान लो यहाँ पे चल गया, तो ये इस तरीके से भी चलेगा, तो ये इस तरीके से ग्राफ होता चला जाएगा, ये इधर को चला गया ग्राफ। और जैसे ही आप यहाँ पर धनात्मक वैल्यू लगाएंगे, जैसे हमने सोचा कि अब भैया आपने धनात्मक वैल्यू लगा दिया, तो यहाँ पर हम ऋणात्मक वैल्यू अगर लगा लें, यहीं पर ऋणात्मक वैल्यू, जैसे हमने मान लिया x का मान -1 है, x का मान -1 है, तो -1 वैल्यू लगाने पर क्या हो जाएगा, y = 1/e^x यानी y = 1/271, यानी बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये ग्राफ कैसे गिरता जाएगा, इस तरीके से ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा, इधर को ग्राफ बढ़ेगा x की तरफ, और इधर को क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट की ओर अग्रसर होगा, तो ग्राफ कभी टूटा नहीं, टूटा यानी हम ये कह सकते हैं ये फलन कैसे है, सतत है, फलन कैसे सतत। अब यहां पर इंटरमीडिएट में इस तरीके से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें तो बहुत हल्का दे रखा है, इसमें आपको बहुत ही डीप भी जाना पड़ेगा। जैसे यहां पर हम चलते हैं 1, 2, 3, 4 यानी प्लस इनफाइनाइट, -1, -2, -3, -इनफाइनाइट, तो हम इसमें दो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड का मतलब हो गया प्लस और लेफ्ट का मतलब हो गया नेगेटिव। यहां पर हम पढ़ते हैं लिमिट h टेंड टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, h टेंड टू 0 का मतलब हो गया x इक्वल 0 का मतलब हो गया कि h 0 की तरफ अग्रसर है, ना कि 0 है, 0 नहीं है h। जैसे इसका h का वैल्यू हो सकता है 0.01 हो, 0.02 हो, या हो सकता है 0.00001 हो, लेकिन h आप ये सोचते हैं कि h इक्वल टू 0 है, नॉट पॉसिबल, h 0 नहीं है, h किधर है, 0 की तरफ अग्रसर है, अगर लेफ्ट की तरफ लेंगे तब भी 0 की तरफ अग्रसर है। अगर लिमिट में अगर आप ये लिखते हैं फंक्शन, जैसे आपको लिमिट इनफाइनाइट वाली मिलेगी, इसको फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं 1x = इनफाइनाइट लिमिट, अगर मान लो x के स्थान पर हमने लगा दिया 1/x कैपिटल x, इसके स्थान पर भी रख लो तो आपका आ जाएगा 1/x इनफाइनाइट। अगर हम इसे उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे अगर यहाँ पहुँचाएंगे तो ये हो जाएगा 1/∞, ये कितना हो जाएगा ई, और 1/∞ ये क्या हो जाएगा 0, यानी x टेंड्स टू या लिमिट क्या लगा देते हैं कैपिटल x टेंड्स टू 0। तो लिमिट की छोटी छोटी प्रॉपर्टी हमें पता होना चाहिए। अब आगे के लिए हम एक सवाल लेते हैं, लिमिट एफ एक्स इक्वल टू x - x + 3 या 2x - 3, यहाँ पर x ग्रेटर देन है और यहाँ x लेस देन है। अगर वो आपसे पूछे कि x = 2 पर ये सतत है, x = 2 पर सतत है, तो हमें ये हमेशा लिमिट में ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास तीन प्रॉपर्टी होती है, f(x) = लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अगर ये तीनों ही बराबर है तो फलन सतत है। इसी को NDIIT में क्या होता है, y से सतत है या दाएं से सतत है, इंटर में ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो इसका 2 आ जाए, इसका भी 2 आ जाए और इसका आ जाए 3, तो ये नॉट इक्वल टू हो जाए, तो हम इसे फलन बताते हैं कि y से सतत है। अगर इसका एग्जांपल लिया जाए जैसे ये x = 2, तो आप ये बताओ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक तो ग्रेटर देन है और एक क्या है, बराबर है, तो आप बात किसकी कर रहे हैं, x = 2 की। तो x = 2 वैल्यू लगाओ यहाँ पर, f(x) = कितना है 2x + 3,
यहाँ जब दो वैल्यू लगाएंगे तो 2 × 2 + 3 एन कितना आ रहा है 7। अगेन यहाँ पर ये बोल रहा है एक्स बराबर 2 पर कैसा है सतत है, एक्स बराबर 2 पर सतत है। तो पुनः देखेंगे कि इसमें 3 प्रॉपर्टी है, एक्स ग्रेटर देन 2 और एक्स लेस देन। अगर 2 प्रॉपर्टी है तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि हमें पहले क्या निकालना है एफ एक्स, एफ एक्स जो है बराबर कहां पर दे रखा है, ये दे रखा है 2x + 3 में। तो हम ये एफ एक्स बराबर 2x + 3 लिख लिया, जहां एक्स है वह कितना रख दो 2 रखा। इससे आगे अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एस टेंस टू 0। अब ये क्या है, एस तो है ही, इसमें से 2 में से घट रहा है, जो 2 में से जो घट रहा है वो क्या है एच, 2 में से जो घट रहा है वो कौन है एच। और यहीं पर अगर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आ जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 2 + एच। राइट हैंड में अब जाएंगे आप 0, 1, 2 इसमें कुछ ना कुछ जुड़ेगा और इधर कुछ ना कुछ घटेगा। तो यहां पर अगर वैल्यू लगाएंगे तो ये 2 से कम किसमें है, एक्स लेस देन 2 यानी एक्स का मान 2 से कम है। तो ये वैल्यू क्या लगा लिमिट एस टेंस टू 0, ये किसकी जगह है पूरा एक्स की जगह है, तो आप इसे एक्स की जगह लगा दो 2 − h − 3 और यहाँ एच की जगह क्या लगा दो 0। तो 2 × 2 = 4 − 3 = 1। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है, 2 में कुछ जुड़ रहा है यानी एक्स ग्रेटर देन 2 में कुछ जुड़ रहा है, तो यहाँ प्रॉपर्टी लगा देंगे 2 + h + 3। अगेन देखें बराबर है तो बराबर वाले लेंगे, कम है तो कम वाले लेंगे, बस एक्स की जगह आपको वैल्यू ये लगा लेंगे, अगर ज्यादा है तो एक्स की जगह। और ये आ जाएगा 2 + 0 + 3 यानी 7 आ गए, 2 × 2 = 4 = 7। ये फलन कैसा है सतत नहीं, अतः लेफ्ट हैंड लिमिट या यहाँ पर राइट हैंड लिखते और ये बिल्कुल लेफ्ट हैंड लिमिट, कह रहे ये भी 7 है तो ये भी 7 है लेकिन ये कितना है 1 है, नॉट इक्वल टू है, असतत, अतः फलन असतत फलन है। अगला सवाल